बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाकाई खबरनामा के साथ में हूँ एहतिसास नकी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब और उनके आल के सदक़े में वतन अजीज पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रखे, आमीन। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और उसके मुजाफात में अजान असर का वक्त हुआ चाहता है। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد। वेलकम बैक। सुबह सिंध के जिला सखर में दरिंदगी की इंतहा हो गई। पुन्नो आकल में जुनूनी शख्स ने पूरा खानदान छुरियों के वार से कत्ल करके सफाकियत की नई मिसाल कायम कर दी। पुलिस ने 11 अफराद के कातिल को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला सिंध ने वाकये का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। छुरी के वार, 11 अफराद अबदी नींद सुला दिए गए, बच्चे भी ना छोड़े। सिंध के जिला सखर की तहसील पन्नो आकिल में एक ही खानदान के 11 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मक्तूलीन को छुरियों के वार करके कत्ल किया गया। मारे गए अफराद में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसका जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाकये का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली।
पुलिस का मजीद कहना है कि मुलजिम घर का सरबराह है जिसने अपने ही घर की खवातीन और बच्चों को कत्ल किया। तमाम मक्तूलैन की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मामूली तनाजे पर खूनी झगड़े में तब्दील हो गया। हरिपुर में अफगान मुहाजरीन के दो ग्रुप्स में फायरिंग से 7 जिंदगियों के चराग गुल हो गए। कत्ल होने वालों में 5 भाई भी शामिल हैं। माशर्ती अदम बर्दाश्त जिंदगियां निकलने लगा। मामूली तनाजे ने कई घरों के चराग गुल कर दिए। हरिपुर के चांदनी चौक डाकखाना के बाहर लाइन सीधी कराने पर होने वाली मामूली तलह कलामी खौफनाक झगड़े में बदल गई। अफगान महाजरीन के दोनों ग्रुप्स यूटिलिटी बिल जमा कराने के लिए मौजूद थे। मामूली तलह कलामी खूनी झगड़े में तब्दील हो गयी। दोनों इतराफ खड़े लोगों ने असलहा निकाल कर एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 6 अफराद गोलियां लगने से मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि एक शख्स अस्पताल में जख्मी हालत की ताब न लाते हुए मौत की आगोश में जा सोया। DIG हजारा काजी जमीलुर रहमान ने वाकये का नोटिस लेते हुए मुतालिका पुलिस को सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। PO is on the spot, he is along with the police party, वो सर्च भी कर रहे हैं और बाकी जो इतने भी मुलजिम इसमें इन्वॉल्व होंगे उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे लगाए जा रहे हैं। इस पे जीरो टॉलरेंस है, हम किसी को ये नहीं अलाउ कर सकते कि वो वेपन्स लेके खड़े और कई हेल्प करे हों, और सख्त कार्रवाई होगी, हुई भी है और मजीद सख्त कार्रवाई होगी। उधर पुलिस ने जाया वकुआ से शवाहिद इकट्ठा करके मक्तूलैन के अहले खाना की दरखास्तों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। अपनों का खून सफेद हो गया। नौशहरा में जायदाद और रिश्ते के तनाजे पर फायरिंग से 4 अफराद जां बहक और 3 जख्मी हो गए। अफसोसनाक वाकया नौशहरा के इलाके अकबरपुरा में पेश आया, जहां जायदाद और रिश्ते के तनाजे पर मामू और भांजों ने एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से 4 अफराद मौका पर जां बहक, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को मियां राशिद मेमोरियल अस्पताल पब्बी और LRH पिशावर मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक वाकये के बाद इलाके में खौफो हरास फैल गया। सवात की तहसील बट्टा में रक्षा और कार में तसादुम से 2 खवातीन जां बहक, जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। सवात की तहसील बट्टा के इलाके बेदरा में रक्षा और कार तसादुम के बाद दोनों गाड़ियां करीबी मकानात से टकरा गईं, जिसके बायस कार में सवार 2 खवातीन जां बहक जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पिशावर के शहरी भी हुकूमती रिलीफ के ताहाल मुंतजिर हैं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत ने इख्तदार में आने से कबल आवाम से कई वादे किए, मगर 2 साल में हुकूमत ने मजीद महंगाई का बोझ डाल दिया। अदनान शाहिद की रिपोर्ट। तरीके इंसाफ हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर भी अवाम को नया पाकिस्तान नजर नहीं आया। महंगाई में पिसती हुई अवाम तहरीके इंसाफ को दुहाइयां देती नजर आई। लोगों का कहना है कि इस हुकूमत में चीनी, आटा, सब्जी, दाल, गोश्त, हर चीज की कीमतों में दुगना इजाफा कर दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई तो ज्यादा हुई है और एक आम शख्स के लिए ये काफी परेशान कुन सूरत हाल है। लेकिन इसके अलावा जब आप मुल्क की सतह पे जाके देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी, रोज़गार भी ख़राब हो गया, महंगाई भी ज़्यादा हो गया, रोज़गार है भी महंगा। हाँ जी, इस हुकूमत का कौन सा रोना आपके सामने रोए। महंगाई इतनी हो गई कि गरीब आदमी चक्की में पिस गए और कुछ लॉकडाउन ने जो कसर थी वो उसने ख़त्म कर दी और हर चीज़ में महंगाई ज़्यादा है। दूध वाले के पास जाते हैं वो भी रोता है। अब गोश्त मिल रहा है हमें 450, 460, लेकिन वो गोश्त वाले ने आज कसम खाई कि मैंने आज भी 3500 रुपए तावान किया। लोगों का कहना था कि चीनी की कीमत 2 साल पहले 55 रुपए थी, लेकिन अब 110 रुपए किलो मिल रही है, जबकि आटा खरीदना तो अब गरीब बंदे की दस्तरस से बाहर हो गया है। बहुत महंगाई है, हमारे वस से बाहर है, 1080-1050 तक मिल रहा है, काफी महंगाई है। बात ये बई थी पाकिस्तान में हर चीज पर टैक्स लगाए और टैक्स हर चीज पर लगाए, लेबर पर लगा है, गाड़ी पर लगा है, घर पर लगा है, हर चीज पर लगे, आटा भी लगाया है, तो क्या करेंगे दुकानदार, लेबर क्या करेंगे। जरूर महंगाई तो जरूर होती है, महंगाई तो ऊपर से होती है, वहीं के वहीं रह गई है महंगाई। सब कुछ इतनी बढ़ गई है कि अब हालात काबू से बाहर हो गए है हमारे। शहरियों का कहना है कि इस महंगाई ने हमारी कमर तोड़कर रख दी है, जबकि इस हुकूमत ने 2 साल के अरसे में महंगाई 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दी है। पेशावर के शहरी कहते हैं कि हुकूमत ने इलेक्शन से कबल जो वादे किए थे वो तहाल इफान ना कर सके, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अदनान शाहिद, सच TV पेशावर।
खानेवाल की तहसील कबीरवाला में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। चीनी की सेंचुरी मुकम्मल हो गई। आटा भी 70 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। मजीद जानते हैं अली सरगाना की इस रिपोर्ट में। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से गरीब मेहनत कश परेशानियों के दलदल में फंस गए। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में होशरबा इजाफे से दिहाड़ीदार तबके के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। तशहीर की भूखी जिलाई इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां दफातर में बैठकर सब अच्छा का राग अलापने लगी। दूसरी जानब अदालती हुक्म पर हुकूमत ने सरकारी नर्ख नामे में तो चीनी के नर्ख 70 रुपए फी किलो दर्ज कर दिए, जबकि मार्केट में चीनी 105 रुपए तक फरोख्त होने लगी। चीनी की कीमतों को पर लगने के बाद आटे ने भी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए कमर कस ली। 3 माह कबल 1400 रुपए फी मन के हिसाब से खरीदी गई गंदम 2200 रुपए, जबकि आटा 2400 रुपए फी मन में फरोख्त होने लगा। माफिया से लड़ने और हारने का वसी तजर्बा रखने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाजायज मुनाफाखोरों के सामने बेबस और लाचार दिखाई देती है। नाजायज मुनाफाखोर फ्लोर मिल्स मालकान हुकूमत से सब्सिडाइज गंदम वसूल करने के बावजूद आटे में रोटी के टुकड़े, लकड़ी का बुरादा और दीगर मुजर सेहत अशिया शामिल करने लगे, जिससे शहरी खसूसन कम उम्र बच्चे मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। किस क्वालिटी के बावजूद फ्लोर मिल मालकान मनपसंद दुकानदारों को आटे की सप्लाई से नवाज रहे हैं, जिसकी वजह से कबीरवाला, नवा शहर, 12 मील, बागड़ सरगाना समेत मुख्तलिफ जगहों पर आटा नायाब हो चुका है, जिस पर दुकानदारों का कहना है सानू आटा कोई नहीं मिलता पिया। मिल मालकान जेड़े हैं पे वो खास दुकाना से देन देन पे असा उन्होंने पूछने तो आ जाए सू पिछू गंदम कोई नहीं मिलती पे जेड़े सानू मिलती और सामने जेड़ी जेड़ी दुकान है जिते जिते पूरा आंदा है सदे छोड़ने अगर कोई नहीं गाहक साथ पूछते हैं सब उन्होंने आने हैं भाई हम सीधे दिशा है जोड़ा दू आटा महंगा आटा बेच नहीं सकते क्योंकि उसकी कीमत गवर्नमेंट बेचन नहीं देती तो जेड़े हैं गाहक वो साढ़े हथे पाते हैं भाई तुम अगे तो हथ लेंदे रहे हूँ तुम क्यों नहीं देंगे पैसे नाल नहीं मिलता भी 860 रुपए गट्टू दाख आने 860 रुपए नाल जेड़ी दुकान देवे दे दिन साढ़े कोल है कोई ना चक्की से जाने तो आ दिन 70 रुपए किलो है असं कि जाइए। आटे चीनी का बहरान और आसमान को छूती कीमतें मुआशी तरक्की के हुकूमती दावों की नफी का मुंह बोलता सबूत हैं। कैमरामैन वलीद अहमद के साथ मियां अली रजा सरगाना, सच न्यूज, कबीरवाला। आटे की कीमत में इजाफा होते ही जेहलम में नान भाइयों ने भी रोटी और नान की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। रोटी 10 रुपए की और नान 12 रुपए में फरोख्त होने लगा। बाबर हुसैन की रिपोर्ट। जेहलम में तंदूर मालकान और नान भाइयों ने रोटी और नान की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। 7 रुपए की जो रोटी बिक रही थी अब 10 रुपए की बिक रही है। इसके साथ नान जो कि 10 रुपए का बिक रहा था 12 रुपए उसकी कीमत कर दी गई है। ये खुद साख्ता इजाफा आवाम ने नामंजूर कर दिया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर से गायब नजर आती है। इसके साथ शहरियों का कहना है कि नान और रोटी के वजन में भी वाजह कमी आ चुकी है, जिस पे फौरी एक्शन लेने की जरूरत है। अभी तक कोई नान रोटी की कीमत कम नहीं हुई। अलबत्ता ये 10 की रोटी और 12 का नान दे रहे हैं और मुझे लगता है इनके पास नोटिफिकेशन भी नहीं है। कोई डीसी साहब की तरफ कोई नोटिफिकेशन आया हो कि रोटी आपने ये बेचनी है ये करें, सर ये बेशुमार जाती है, गरीब पिस के रह गया है, इसको दोबारा उसी कीमत पे आना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बात पे एक्शन लिया जाए। आटा सर नहीं मिल रहा, चीनी स्पेशली दुकानदार रख के वो नहीं दे रहे भाई जान। खाने से मतलब लागर हो गए, लेना तो दूर की बात है कि बंदा ले ले खा ले ठीक है, यकीन है ओवर टाइम लगा के हम पिस रहे हैं कि किसी तरह भी मतलब घर का राशन आटा वगैरह पूरा हो जाए, लेकिन किसी तरफ कोई समझ नहीं आ रही। हुकूमत दावे पे दावे किए जा रही है लेकिन उस हिसाब से कोई रिलीफ मिल नहीं रहा। 10 की रोटी 12 का नान, शहरी कहते हैं कि कब हुकूमत कंट्रोल करेगी और कब गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा। शहरी कहते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहें जो कि रोटी की और नान की कीमतों को कंट्रोल नहीं कर रही। उनका कहना है कि हुकूमत ने जो दावे किए थे वो पूरे करे गरीब को रिलीफ देने के, ताकि लोगों के लिए आसानियां पैदा हो। कैमरामैन सनानल के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज, झेलम। कोहाट में बिजली और गैस की लोड शेडिंग के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने सड़क को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद करके इंतजामिया और मुतालिका महकमों के खिलाफ शदीद नाराबाजी की। अली बंगश की रिपोर्ट। पहाड़गढ़ी जात की सैकड़ों अफराद ने शहर के सड़क को एहतजाजन हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि आए रोज बिजली और गैस की जालमाना लोड शेडिंग से तंग आकर सड़कों पर निकल आने पर मजबूर हुए और जो भी बात सामने आएगी तो इंशाल्लाह ताला हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम बातों पर और जितने भी मुतालबात हैं आलियानी गड़ी मोहसान, ये मुतालबात अच्छे तरीके से वापडा के अफसरान, बिजली के जो है के इसी तरह हाँ अफसरान वापडा की और गैस के अफसरान, WSSC के अफसरान ये हल कर दे। शदीद गर्मी की हालत में मुकर्रर शुदा लोड शेडिंग से तजावज करके कई कई घंटे बिजली गायब रहती है, अलावा भी कई कई घंटे नहीं होती, जिसकी वजह से इंतहाई लोग परेशानियों में मुब्तला है। घरों में पानी नहीं होता, मस्जिदों में पानी नहीं होता,
यूपीएस लोगों की बैटरियां ख़त्म हो जाती हैं, जनरेटर काम नहीं करते, क्योंकि गैस का भी मसला है, गैस भी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशानी में मुब्तला हैं। तो मजबूर होकर आज वो सड़कों पर निकले हैं और उन्होंने एहतजाज किया है, और बिलखसूस हमारे इलाके के जो MNA और MPA हैं और सेनेटर भी इसी शहर के रहने वाले हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उन्हें अपने इलाकों की इन परेशानियों का कुछ एहसास नहीं है। अगर हमारे मुतालबात पर गौर न किया गया तो एहतजाज का दायरे कार वसी करेंगे। अली बंगश, सच न्यूज कोहाट। हैदराबाद शहर की तहसील लतीफाबाद में सीवरेज का निजाम जवाब दे गया, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। देखिए जहां से बली की रिपोर्ट। हैदराबाद शहर की तहसील लतीफाबाद यूनिट नंबर 12 की मेन सड़क गंदगी के ढेरों और सीवरेज के गंदे पानी में डूब चुकी है, जिसकी वजह से ताफुन फैल रहा है। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता एक माह से सफाई सुथराई के इंतजाम न होने से गंदगी के ढेर वो गलाजत से भरी हुई है। सड़कों के चारों एतराफ सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से सड़क की हालत खस्ता हो चुकी है। बल्दिया आला और HDA की नाहली की वजह से लोग परेशान है, जबकि बरसाती नाले की सफाई न होने से सीवरेज का पानी बाहर जमा होना मामूल हो गया है। एक डेढ़ महीना हो गया गंदे पानी को पड़े पड़े, कोई यहाँ पे निकालने वाला कोई नहीं है। यहाँ हमारा कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, इसी एक महीना डेढ़ महीना हो गया है। 12 नंबर में जो पानी भरा हुआ है मेन रोड पर, इसके जो है यहाँ से इसकी जो सफाई की जाए, गंदगी हटाई जाए, ताकि बीमारियों से हमारे बच्चे जो बीमार हो रहे हैं, बीमारियाँ फैलने से रुके और जो है एक साफ सुथरा बिजनेस जो है होता हुआ नजर आए। शहरियों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर लतीफाबाद यूनिट नंबर 12 की मेन सड़क से सफाई सुथराई के साथ साथ सीवरेज के गंदे पानी की निकासी आपका मसला हल करते हुए सड़क की तामीरें नो करवा कर लोगों की परेशानी से निकाला जाए। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहाज़ेब अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज हैदराबाद। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आजाद कश्मीर को सयाहों की जन्नत कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान को आजाद कश्मीर से मिलाने वाली मरकजी शाहराह मुतालिका महकमों की नाअहली की वजह से सयाहों और आम आवाम के लिए दर्द सर बनी हुई है। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम शाह। दुनिया अर्जी का खूबसूरत तरीन खिता कश्मीर सयाहों के लिए एक ऐसी मशहूर कुन हैसियत रखता है कि जिसको देखने के लिए सयाह रास्तों की मुसाफत और तकान को भूलकर मुल्क के कोने कोने से सफर करके आजाद कश्मीर पहुंचते हैं। लेकिन आजाद कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाने वाली मरकजी शाहराह पर मौजूद लोहार गली स्लाइड इस खिता की खूबसूरती पर कदगन की तरह मौजूद है। हर बारिश के साथ इस स्लाइड की दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती है, जिसकी वजह से मुल्क के दूर दराज के हिस्सों से आए सयाह भी सख्त परेशानी उठाते हैं। मैं कराची से आया हूँ यहाँ घूमने के लिए। यहाँ कश्मीर का इलाका माशाल्लाह बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, लेकिन ये लैंड स्लाइडिंग की वजह से काफ़ी जगह बंद है और यहाँ पे हम तकरीबन कुछ 2 घंटे से खड़े हुए हैं और ये ट्रैक क्लियर नहीं हुआ है अभी भी। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है जिसको हुकूमत को चाहिए कि इस मामले की तरफ तवज्जो दे और इसको क्लियर करे। याद का शोबा और मजीद तरक्की करेगा, इससे कोई इससे और बल्कि फ़ायदा होगा सयाहों को, इधर तादाद भी बढ़ेगी। अब मेन मसला यही है, जब यहाँ लोगों को पता चलेगा लैंड स्लाइडिंग की वजह से रास्ते बंद हैं, दुश्वारियाँ हैं काफ़ी, तो लोग नहीं आएंगे। सयाहों के साथ साथ इस शाहराह पर एबटाबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में चेकअप के लिए जाने वाले मरीजों की बड़ी तादाद भी सफर करती है, जो इस खून आशाम स्लाइड की वजह से मौत और जिंदगी की कश्मकश के साथ स्लाइड खुलने का इंतजार करती नजर आती है। इस स्लाइड के मुतबादल लोहार गली टनल के लिए 2 दफा बजट में फंड रखे गए, लेकिन महकमा जात की बंदर बांट और मुतलका MLA की नाअहली की वजह से ये मंसूबा ताहाल कठिनाई का शिकार नजर आता है। कैमरामैन सिकंदर शाह के साथ सैयद नदीम शाह, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। तब्दीली के इस दौर में आवाम को रिलीफ देना तो दूर की बात, सीवरेज के गंदे पानी और इंतजामिया की गफलत ने मसाजिद को भी न छोड़ा। शहर भर में गंदगी का राज, असिस्टेंट कमिश्नर और CEO बल्दिया जबानी जमा खर्च से काम चलाने लगे, आवाम की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ आवान। सादिकाबाद शहर भर के मुख्तलिफ इलाके सीवरेज के गंदे पानी में डूब गए। इंतजामिया की गफलत शहरियों से नारवा सलूक की इंतहा हो चुकी, जिससे इलाका मकीनों की परेशानियों में मजीद इजाफा हो रहा है। शहरी पोश इलाकों में शामिल इतफाक टाउन, बिस्मिल्ला टाउन, चीमा टाउन, हसन कलोनी, क्रिश्चियन कलोनी समेत शहर के दीगर इलाके सीवरेज के गंदे पानी में डूब गए। परेशान हाल शहरियों का कहना है, पानी जरा मस्जिद दाखिल हो गया है, नमाज पढ़ने जा सकते, CEO साहब या AC साहब कुछ नहीं कर रहे, साढ़े बच्चे मतलब पढ़ नहीं आ सकते, मेहरबानी करके साडा मतलब जल्दी तो जल्दी जरा छुटकारा दवाया जाए।
ताकि असं अपना आराम न आ जाए नमाज पढ़ने वाले मस्जिद जा आ के चेक कर सकते हो कि इतना पानी खड़ा है। इंतजामिया लंबी तान कर सो गई, आवाम के मसाइल हल करने में इंतजामिया की कारकर्दगी बिल्कुल सिफर रह गई। गली मोहल्लों और घरों के साथ साथ अब सीवरेज का गंदा पानी मस्जिद में भी दाखिल होने लगा। सीवरेज का निजाम बिल्कुल नाकस है, हमारे घरों में पानी आ चुका है, बाहर से कोई मेहमान आता है तो वो भी हमको बहुत बुरा भला कह के जाता है कि तुम्हारे इलाके में ये हो रहा है, तुम्हारे इलाके में पानी का ये सिस्टम है, हमारे डीसी साहब सो रहे हैं, हमारे सब कुछ जो है ना वो सिस्टम सारा खराब है। अभी ये हमारे मोहल्ले में ऐसे हो रहा है तो कैसे हम लोगों को बाहर बताएं कि हम लोग सादिकाबाद सिटी के रहशी हैं। शहरियों का मजीद कहना है इंतजामी अमूर करप्शन की नजर या सेंट्री वर्कर की पेशा वराना अमूर में गफलत हमारी जिंदगी अजीरन बना दी। उन्होंने डीसी रहमियर खान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हाजी जावेद के साथ आसिफ अवान, सच टीवी सादिकाबाद। टिब्बा सुल्तानपुर के मुख्तलिफ देहाती इलाकों में महकमे लाइफ स्टॉक की जानिब से बर वक्त हिफाजती वैक्सीनेशन न होने की वजह से जानवरों पर पुरइसरार बीमारी ने हमला कर दिया। बीमारी के बायस लाखों रुपए मालियत के जानवर हलाक हो गए। महकमे लाइफ स्टॉक का अमला गर्मी में फील्ड में जाकर जानवरों में वैक्सीनेशन करने की बजाय दफ्तरों में बैठकर हाजिरी लगाने लगा। मजीद जानते हैं चौधरी काजिम से। जी काजिम, टिब्बा सुल्तानपुर के देही इलाकों के मवेशी पाल काश्तकारों के जानवरों में है जो पूरी इसराइल बीमारी ने हमला कर दिया है, जिसकी वजह से दर्जनों लाखों रुपए मालियत के कीमती जानवर हलाक हो चुके हैं। काश्तकारों की जानिब से जो महकमा लाइफ स्टॉक टिब्बा सुल्तानपुर के अमला को भी बीमारी से मुतालिक आगाह किया गया, लेकिन अभी तक तो कोई नोटिस नहीं लिया गया और बीमारी की शिदत बढ़ती जा रही है। काश्तकारों का कहना है कि महकमा लाइफ स्टॉक का अमला गर्मी की वजह से बाहर फील्ड में जाकर जानवरों में वैक्सीनेशन करने की बजाय अपने दफ्तर में ठंडे कमरों में बैठते हैं और हाजिर लगाकर घरों को वापस लौट जाते हैं। सबसे ज्यादा है जो बीमारी इस वक्त बस्ती सांदा में, जहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर है जो जानवर हलाक हो रहे हैं, जिसकी वजह से काश्तकारों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मवेशी पाल काश्तकारों ने शदीद एहतजाज करते हुए ज़िला पंजाब और महकमा लाइफ स्टॉक के आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए वैक्सीनेशन में कोताही बरतने वाले अमला के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बीमारी की रोकथाम के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया चौधरी काजिम। गुजरावाला में पोलियो मुहिम का आगाज न होने की वजह से 9 लाख बच्चे पोलियो मुहिम से महरूम हैं, जिसकी वजह से शहरियों में तशवीश पाई जाती है। मजीद बता रहे हैं रईस खुर्शीद। जी रईस, ये ऐसा ही है। गुजरावाला में इन दिनों पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज किया जाता था, जिसके तहत 9 लाख से ज्यादा जो बच्चे हैं उनको पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाते थे, मगर कोरोना लॉकडाउन के बायस इस दफ़ा गुजरावाला में पोलियो मुहिम का आगाज नहीं किया गया। शहरियों में खासी तशवीश पाई जाती है, उनके बच्चे जो है उनको कतरे नहीं पिलाए गए। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, इस दफ़ा पोलियो के जो कतरे हैं वो नहीं पिलाए जा रहे, तो क्या कहेंगे इस पर आप? इसमें काफ़ी परेशानी है, एक तो लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है, तो पहले मेरे ख्याल में साल में 2 दफ़ा आया करते थे, घर आते थे, घर में नहीं होते तो स्कूल में बच्चों को, स्कूल में जाके बच्चों को तो कतरे पिलवाए जाते थे। अब बच्चे घर बैठे हुए हैं और मुहिम का आगाज़ इस दफ़ा किया नहीं जा सका, तो अब तो डर ये लगा हुआ है कि खुदा ना खासा कोरोना से बच्चे बचते बच्चे जो है ना किसी बीमारी का शिकार ना हो जाए। बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी, वालदेन का इस दफ़ा जो है वालदेन खासी तशवीश दिखाई दे रहे हैं, तशवीश दिखाई दे रही है। उनका ये कहना है कि जिस तरह से दीगर अजला में पोलियो मुहिम का आगाज़ किया गया है, इसी तरह गुजरावाला को भी रेफर किया जाए और यहाँ पर भी जल्द अज जल्द पोलियो मुहिम का आगाज़ किया जाए। जी बहुत शुक्रिया रईस खुर्शीद। बरसगीर पाक हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गनशक्कर के 778वें सालाना उर्स की तकरीबात जारी हैं। सजादा नशीद ने रसूमात अदा करते हुए जायरीन में रिवायती तबर्रुकात तकसीम किए। रिपोर्ट करेंगे चौधरी तारिक अली। बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गनशक्कर अलैह रहमत के 778वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज पाकपतन में हो चुका है। उर्स के चौथे रोज सजादा नशीन दीवान महदूद मसूद चिश्ती ने कदीमी रसूमात अदा करते हुए जायरीन में तबर्रुकात भी तकसीम किए। मैं तमाम मुरीदीन से ये गुजारिश करूँगा कि बाबा जी की बारगाह में अगर आपने दुआ भी करनी है तो अपने घरों में बैठकर हजूर गंजशक्कर की बारगाह में दुआ कर सकते हैं। उर्स का मतलब ये था कि उनकी तालीमात को पूरी दुनिया में फैलाना,
उनके बताए हुए रास्तों को पूरी दुनिया पे लागू करना। उन्होंने हमेशा अल्लाह और उसके रसूल को राजी किया। 9 साल कोरोना वायरस की वजह से उर्स के इंतजाम को इंतहाई महदूद करते हुए बहिश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई भी 2 दिन होगी। यहाँ पर जायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद से आया हूँ, मैंने दरबार हजरत बाबा शरीफ की हाजिरी दी है। हम हर साल आते हैं, जैसा कि आपको बताया कि दरबार हजरत बाबा शरीफ का उर्स स्टार्ट हो चुका है और इस सिलसिले में हम यहाँ पे हाजिरी देने आए हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारी दुआएं मांगी हैं। दामिया की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करते हुए जायरीन को मुकम्मल चेकिंग के बाद अहाते दरबार में दाखिल होने दिया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ चौधरी तारक अली, सच टीवी, पाकपतन। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। लकड़ी और प्लास्टिक का फर्नीचर आम होने की वजह से मुड़ा साजी का कदीम फन दम तोड़ता जा रहा है। अब्दुल मजीद भाटी की रिपोर्ट। कानों को एक खास तरतीब में खूबसूरती के साथ सरकंडों और डोरी की मदद से जोड़कर इसको रुई से भर के रंगारंग कपड़े और झालर से सजाते मोहम्मद सिद्दीक और मोहम्मद अली 35 साल से मूढ़े बना रहे हैं। इनका कहना है कि मूढ़े बहुत कदीम और सकाफती फर्नीचर है जो पहले बैठक चौपालों और डेरों में रखा जाता था। पहले डेरे आचो, बंगले आचो, हर जगह पे इस्तेमाल होता है, इसकी मियाद ज्यादा है। कारीगरों का कहना है कि मूढ़े बनाने के लिए दरियाई जमीन से काने लाने पड़ते हैं और एक मूढ़े को बनाने में 2 दिन लग जाते हैं, जबकि मेहनत के मुताबिक मुआवजा भी नहीं मिलता। पहले ही ढांच तैयार करीदा है, फिर मूढ़ा बनाईदा है, फिर इसके ऊपर कचरा डाल के उसके कपड़ा लाईदा है, फिर उसे कवर चढ़ाई जाए झालर वाला। घरेलू फर्नीचर में नित नए डिजाइन और जिद्दत आने के बावजूद रिवायती तरीके से बनाए जाने वाले ये मूढ़े न सिर्फ घर की सजावट में काम आते हैं बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सकाफत को उजागर भी करते हैं। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद भाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। चित्राल में पहली बार होने वाला ओपन शतरंज टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले वसीम अकरम टूर्नामेंट के चैंपियन करार पाए। देखिए गुल हमाद फारूकी की रिपोर्ट। चित्राल में पहला ओपन शतरंज टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ। फाइनल राउंड में लाहौर से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी वसीम अकरम ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा करते हुए टूर्नामेंट के चैंपियन करार पाए गए, जबकि फैसलाबाद के मोहम्मद शहजाद दूसरे नंबर पे आए। अपने जीत पर वसीम अकरम निहायत खुश है। मैं चेस खेल रहा हूँ 20 साल से ना। अच्छा। तो नेशनल मास्टर मैं बहुत दफा बना हूँ, फिर पंजाब चैंपियन भी काफी दफा हूँ, साथ में इंटरनेशनल टाइटल भी है मेरे पास। विनर अब खिलाड़ी मोहम्मद शहजाद भी चित्राल के मेहमान दोस्त माहौल से नहायत लुत्फानंदोज हुए। नेशनल लेवल पे खेला हूँ, सन 2018 में मेरी सेकंड पोजीशन थी, तो उसके बाद मैं नेपाल चैंपियनशिप खेल के आया हूँ, एशियन एमेच्योर, तो उसके बाद ये चैंपियनशिप खेल रहा हूँ जो चित्राल में। और वसीम अकरम का कहना है कि शतरंज के खेल को अभी तक हुकूमती सरपरस्ती हासिल नहीं है। इख्तितामी तकरीबात में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर अब्दुल रहमान मेहमान खसूसी थे, जिन्होंने खिलाड़ियों में ट्रॉफी, कप और नकद इनाम तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि वो शतरंज के खेल के लिए हर साल 1 लाख रुपए का फंड फराहम करेगा। उन्होंने ये भी यकीन दहानी कराई कि वो शतरंज खेलने के लिए बहुत जल्द चित्राल में स्टेडियम तामीर करेगा, जहाँ नौजवान खिलाड़ी भी उसमें हिस्सा ले सकेंगे। इस टूर्नामेंट में मुल्क भर से नामवर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बावल नगर के नवा इलाके फोर्ट अब्बास में नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियां फराहम करने के लिए जश्न आजादी क्रिकेट मेले का इनेकाद किया जा रहा है। 4 रोज तक जारी रहने वाले इस टूर्नामेंट में शहरियों ने खूब इंजॉय किया। देखिए मोहम्मद रिजवान की रिपोर्ट। लॉकडाउन के इख्तिताम पर एक बार फिर खेल के मैदान आबाद होने से खिलाड़ियों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियां फराहम करने के लिए गरनाता क्रिकेट क्लब के जेर एहतमाम जश्न आजादी क्रिकेट मेला का इनेकाद किया गया। 4 रोज तक जारी रहने वाले इस टूर्नामेंट में मुख्तलिफ टीमों ने हिस्सा लिया। कोरोना की वबा के बाद जश्न आजादी के मौका पर क्रिकेट लीग का इंतजाम किया गया था। यहाँ पर बहुत इंजॉय किया लड़कों ने। काफी अरसा बाद क्रिकेट के मैदान दोबारा बहाल हुए हैं, हमें इस पर बहुत खुशी का इजहार है। हमें भी सबसे पहले तो ये बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि क्रिकेट दोबारा शुरू हुई है। लॉकडाउन में सारी क्रिकेट बंद थी, तो लड़के बहुत ज्यादा बोर हुए रहते थे, तो अब दोबारा क्रिकेट शुरू हुई है तो सभी लड़के इंजॉय कर रहे हैं और खेल रहे हैं।
और हमने भी एक टूर्नामेंट का इनकार किया, वो बहुत अच्छा रहा माशा। फाइनल मैच गनाता टाइगर्स और गनाता लायंस के दरमियान खेला गया, जिसके मेहमान खुसूसी मुकामी समाजी कारकुन व सहाफी नदीम जफर थे। कैमरा मैन आमर सुल्तान के साथ मोहम्मद रजवान, सच न्यूज, फोर्ट अब्बास। चकवाल और गिरदो नवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से जहां मौसम खुशगवार हो गया, तो दूसरी तरफ बारिश ने म्यूनिसिपल कमेटी की कारकर्दगी का पोल भी खोलकर रख दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब। चकवाल और गिरदो नवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से जहां मौसम खुशगवार और ठंडा हो गया, तो वहीं मूसलाधार बारिश ने हर तरफ जल थल कर दिया। बारिश ने बल्दिया और इंतजामिया की खोखली कारकर्दगी का पोल भी खोल दिया। बारिश से जगह जगह नाले उबल पड़े, जबकि सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। नकासी आब न होने की वजह से चकवाल के मेन रोड, जेहलम रोड, पिंडी रोड और तलागंग रोड तालाब का मंजर पेश करने लगे। नकासी आब का बेहतर इंतजाम न होने की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आवाम ने डिप्टी कमिश्नर चकवार अब्दुल सत्तार एहसानी, असिस्टेंट कमिश्नर चकवार मुजफ्फर मुख्तार और महकमे बल्दिया के अफसरान से निकासी आब के निजाम को बेहतर करने की अपील की है। कैमरामैन राज शाहजेब के साथ रजत साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चकवाल। इंतजामिया की गफलत के बायस मंडी बहाउद्दीन के शहरियों के लिए अब्दुल रहमत जहमत बन गई। शहर मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया, नशेबी इलाके जेरे आब आ गए, जबकि सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगे। इरफान बड़ाइश की रिपोर्ट। मंडी बहाउद्दीन और गिरदो नवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके जेरे आब आ गए, जिससे जेर रोड, थाना रोड, कालो चौक समेत शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर कई फुट पानी खड़ा हो गया। गलियां और सड़कें नहरों में तब्दील हो गयी और शहर में निकासी आब का निजाम मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरियों को परेशानी से दोचार होना पड़ा। दूसरी जानिब बारिश शुरू होते ही बिजली के फीडर ट्रिप करने से बिजली बंद हो गयी। नशेबी इलाकों के घरों में बारिश का पानी दाखिल होने से मुश्किल का सामना करना पड़ा। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ाइज, सच न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। मुजफ्फरगढ़ की तहसील सेनावा में शादी की तकरीब में साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी और डांस पार्टी करने पर दूल्हा गिरफ्तार कर लिया गया। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ की हिदायत पर एसएचओ थाना महमूदकोट इमरान खालक ने कार्रवाई करते हुए साउंड एक्ट और डांस पार्टी का एहतमाम करने वाले दुल्हे को निकाह से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। दुल्हे के खिलाफ थाना महमूदकोट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। टोबाटेक सिंह में पुलिस ने सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वाले तीन मुलजिमान को गिरफ्तार करके कब्जे से जदीद असलहा बरामद कर लिया है। मजीद जानते हैं सुल्तान सिद्धू से। जी सुल्तान। जी बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूं। टोबा टेक्सिंग सीए स्टाफ ने, जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फरूक की हिदायत पर सीए स्टाफ ने बड़ी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर असले की नुमाइश करने वाले अफराद जो हैं जनाइम पेशा अफराद हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। जिला भर में अब तक कार्रवाइयों के दौरान 11 से ज्यादा मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं। आज भी सीए ने एक जगह पर कार्रवाई की है। तीन खतरनाक मुलजमान जो असले की नुमाइश करते हुए पकड़े गए हैं, उनसे नजायज असला, जदीद असला जो है वो भी बरामद किया गया है। मेरे साथ सीए स्टाफ के इंचार्ज मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि सोशल मीडिया पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर असला की बहुत ज्यादा नुमाइश है, जिस वजह से खुसूसन बच्चे, खवातीन और शरीफ लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। इस बात का एक्शन जनाब डीपीओ साहब ने इंतहाई सख्त अंदाज में लिया है और उन्होंने कहा कि किसी बंदे को नहीं छोड़ना। इस तरह की जो हरकत सकनात कर रहे हैं उनके खिलाफ फौरी एक्शन हो रहा है, फौरी कार्रवाई हो रही है और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द हम खत्म कर देंगे। सोशल मीडिया पर किसी किस्म की ऐसी हम नुमाइश नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल, आपने सीए स्टाफ के इंचार्ज की बात से उन्होंने कहा कि टोबा टेसों गिरदो नवा में जो लोग भी असले की नुमाइश कर रहे हैं या सोशल मीडिया या टिकटॉक स्टार जो हैं जो लोगों को खौफजदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां जो हैं पुलिस की जानब से जारी हैं। बड़ी तादाद में नजायज असला जो है इनसे बरामद किया है, जदीद तरीन असला जिसकी नुमाइश की जा रही थी, लोग काफी ज्यादा खौफजदा थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने इस टीम के लिए खसूसी तौर पर सर्टिफिकेट और नकद इनाम देने का ऐलान भी किया है। जी बहुत शुक्रिया सुल्तान। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक और सीपीओ मुल्तान हसन रजा खान ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए शुजाबाद का दौरा किया। वजाहत हुसैन की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक और सीपीओ मुल्तान हसन रजा खान का मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए शुजाबाद का दौरा। इस मौके पर एसपी सदर डिवीजन राव नईम शहजाद, एसी शुजाबाद मोहम्मद जुबैर, एसी जलालपुर पीरवाला गुलाम सरवर, एसडीपीओ सिंगार मलिक भी इनके हमराह थे। डिप्टी कमिश्नर और सिटी पुलिस ऑफिसर ने मातमी जुलूस के इमाम बारगा इमामिया, इमाम बारगा हुसैनिया का विजिट किया। बाद डिप्टी कमिश्नर और सिटी पुलिस ऑफिसर ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में आजादारी के जुलूस
के मुंतजमीन और लसन सदरान से मुलाकात की, जबकि इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक का कहना था कि आशूरा मुहर्रम के दौरान तमाम इंतजाम मरबूत बनाने जा रहे हैं। आजादारी के जुलूस रूट की मुरम्मत, सफाई और रोशनी के बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। मैपको को अशूरा के मौके पर शाम के औकात में बला ततील बिजली फराम करने की हदायत की गई है। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान मोहम्मद हसन रजा खान का कहना था कि मुहर्रम और आराम के हवाले से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। मजालिस मुंतजमीन को भी मेटल डिटेक्टर दे दिए जाएंगे। मुहर्रम के मौके पर मजालिस और इमाम बारगाहों के मुंतजमीन को चौकस किरदार अदा करना होगा। मजमी अहमांगाई के हवाले से अमन कमेटी का किरदार इंतहाई मिसाली है। कैमरामैन मुबशर उल्लाह, कैमरा वजात हुसैन, सच न्यूज, शुजाबाद। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का वफद अब्दुल खबीर आजाद की क्यादत में साहिवाल पहुंच गया, जहां मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में सरकारी सतह पर तकरीब का इनेकाद किया गया। पापर सिद्दीकी की रिपोर्ट। पंजाब की तरफ से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का वफद मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की क्यादत में साहिवाल पहुंच गया। मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में सर्कट हाउस में सरकारी सतह पर तकरीब का इनेकाद किया गया। डिवीजन भर से उलमा समेत कमिश्नर साहिवाल डिवीजन और तीनों इजलास डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ हजरात ने शिरकत की। इस मौके पर वफद के सरबरा मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का ये इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम मसालिक के उलमा ने शिरकत की, जो वजीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब की खसूसी हदायत पर पूरे पंजाब में इस वक्त चल रहा है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान को ज़रूरत है के इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के पैगाम को आम करने की। खतीब जामिया मस्जिद मरकजी इमाम बारगाह कसरे बतूल मौलाना मोहम्मद हसन मसूमी का कहना था, मुहर्रम उल हराम बिल्कुल करीब है। मुहर्रम उल हराम में क़याम अमन के लिए, रवादारी के लिए, इत्तेहाद और इत्तेफाक बरकरार रखने के लिए वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर, उनके हिदायत पर पंजाब से, लाहौर से हमारे उलमाए आलम जनाब अल्लामा अब्दुल खबीर आज़ाद साहब की क़यादत में साहिवाल तशरीफ़ लाए। साहिवाल डिवीज़न के मुकम्मल इंतज़ामिया और इस डिवीज़न के तीनों अजला के उलमा। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट सच टीवी .pk। देखते रहिए सच न्यूज।